वेलकम टू एचपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आपका एचपी शुक्ला एजुकेट में आपका स्वागत है। मैं आपको नया चैप्टर एक शुरू करने चल रहा हूँ। जैसा मैंने बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, अब आज आपको एक नया चैप्टर है अधिगम। अधिगम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अधिगम यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनाता है। अधिगम है क्या, अधिगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम क्या है, अधिगम की विधियां क्या हैं, अधिगम का क्षेत्र क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, अधिगम का वक्र क्या होता है, वक्र जिसे कहते हैं, अधिगम का अंतरण क्या है या स्थानांतरण हम लोग कहते हैं, और अधिगम का पठार क्या है या अधिगम अक्षमता क्या है। इतनी बातें आपके अधिगम से संबंधित पूछी जाती हैं हर परीक्षाओं में, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश टेट होगा या अन्य राज्यों में आप टेट देते हैं, तो अधिगम के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा था, अधिगम है क्या। पहली चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, अधिगम का अर्थ होता है अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है सीखना। अब लर्निंग एक व्यापक शब्द है, जैसे आपने पढ़ा अभी कि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वैसे लर्निंग या अधिगम भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि जीवन भर मनुष्य क्या है, कुछ न कुछ सीखता है। और सीखने की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा के द्वारा, एक अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए लिखा रहता है शिक्षा दो प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं, एक औपचारिक साधनों के द्वारा, दूसरा अनौपचारिक साधनों के द्वारा। तो अधिगम भी एक व्यापक शब्द है। अब लिखा रहता अधिगम के फलस्वरूप मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी, जैसे वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। बहुत अच्छी बात लिखा, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान मतलब होता है जो नए नए ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने कहा, और उसकी प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हम अधिगम कहलाता। अब एक बात आती है, अधिगम मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम क्या करेगा, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। जैसा गेट्स कहते हैं, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो भी व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो लिखते हैं, आदत अभिवृत्ति ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसकी परिभाषा अधिगम के बारे में दी है। अधिगम मैंने कहा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब अधिगम के बारे में अपनी अपनी परिभाषाएं लोग देते हैं, अपने अपने तरीके से कहते हैं। अब इसलिए पूछा था बच्चा कितने प्रकार से अधिगम करेगा, तो लिखा रहता बच्चे कई प्रकार से अधिगम करते हैं, कई प्रकार से करके बच्चा अधिगम करेगा। अवलोकन निरीक्षण के द्वारा करेगा, प्रयोग के द्वारा करेगा, वार्तालाप के द्वारा करेगा, चिंतन के द्वारा करेगा, कई प्रकार से अधिगम होता है। तो पहले मैं अधिगम की परिभाषाओं पर बात आते हैं। इसलिए अधिगम एक प्रक्रिया है और ये उद्देश्यपूर्ण होती है। तो पहला जो परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा दिया है वुडवर्थ महोदय ने दिया है, वुडवर्थ ने दिया नवीन ज्ञान
और नवीन प्रतिक्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ये उडवर्ड साहब की परिभाषा है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन मतलब प्राप्त करना, जो भी आपने प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो प्राप्त किया वही अधिगम है, ये उडवर्थ महोदय कहते हैं। जबकि गेट्स महोदय कहते हैं, गेट्स और अन्य का कथन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करना अधिगम कहलाता है। अनुभव और प्रशिक्षण, यहां इन्होंने कहा अनुभव और प्रशिक्षण। अनुभव बड़ी भारी चीज होती है, क्योंकि मनुष्य देखते हैं बुद्धिलब्धि के बारे में, मैंने आपसे कहा 16 साल तक बुद्धि का विकास हो जाता, उसके बाद मनुष्य में अनुभव ही बढ़ता है। दिन प्रतिदिन क्या है, जो चीज़ों को करता है वो मनुष्य उसमें अनुभव को प्राप्त करता है और अनुभव के द्वारा अपने ज्ञान में और वृद्धि करता है। तो ज्ञान में वृद्धि होती है, बुद्धि में नहीं वृद्धि होती। 16 साल के बाद बुद्धिलब्धि का जो भी विकास होना होता हो जाता है। अब इसी पर लिखा क्रो एंड क्रो ने, आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। क्रो एंड क्रो ने लिखा आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन, ही अधिगम है या अधिगम कहलाता है। यहां ध्यान रखना है कुछ शब्दों को, क्योंकि एक कथन आपसे अमूमन आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में पूछे जाते हैं, दे देगा नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ये उडवर्थ का कथन है। अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता अधिगम कहलाता है। आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। और एक विचार है स्किनर का, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। बी एफ स्किनर का नाम सुना होगा। अनुभव लिखा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये कथन जो आपने देखा, ये चार कथन अधिगम पे सबसे महत्वपूर्ण कथनों में माने जाते हैं। अब क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में मैंने एक बात और कहा था, ये कहते भी है कि 20वीं शताब्दी बालक का काल होगा। 20वीं शताब्दी के बारे में ले बालक का काल कहा, क्योंकि आज 20वीं शताब्दी की जगह 21वीं शताब्दी चल रही, जिसमें कहा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी बालक आज शिक्षा का केंद्र है। आज जो भी शिक्षण विधियां बनाई जा रही हैं, जो भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा रहा है, ये सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। ये बात कही गई है कि बच्चों को ध्यान में रखकर ही देखते हैं, ये बनाई जा रही है विधियां। तो इसीलिए कहा गया कि जो भी चीज़ें हैं आज अधिगम में, जो भी शिक्षण प्रक्रिया में है, कि शिक्षण विधि पाठ्यक्रम जितना भी बनाया जा रहा है ये बच्चों पर आधारित हैं। अब बात आती है अधिगम, चूंकि मैंने आपसे कहा एक व्यापक शब्द है,
व्यापक इसलिए मैंने कहा कि आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से आप जो है अधिगम कर सकते हैं। अधिगम व्यापक शब्द है, इसीलिए इसके बारे में कहा गया। अब एक शब्द और आता है मनोविज्ञान में, लिखा रहेगा अधिगम का अंतरण। अधिगम अंतरण का अंतरण, या इसी को कभी कभी हम लोग लिखते हैं स्थानांतरण। अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण शब्द आएगा। अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण जो पढ़ते हैं वो छह प्रकार का होता है। जैसे लिखा रहता है धनात्मक अंतरण, लिखा क्या रहेगा धनात्मक अंतरण। ये क्या है भाई धनात्मक अंतरण, क्या किसे कहते हैं? तो आप समझ लीजिए, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान, पहले से सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को देने में सहायता कर रहा है या सहायता देगा, तो हम उसको लिखेंगे क्या अधिगम का धनात्मक अंतरण। लिखा रहेगा कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को देने में सहायता प्रदान करे, तो इसको हम अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण कहते हैं। तो लिखा रहेगा इसे धनात्मक अंतरण भी कहा जाता है। दूसरा लिखते हैं ऋणात्मक अंतरण। ऋणात्मक अंतरण, अंतरण ऋणात्मक अंतरण लिखा रहेगा। लिखा रहेगा पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो या बाधक साबित हो, तो लिखा रहेगा ऋणात्मक अंतरण से कहा जाता है। यानी पहले से सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने में बाधक उत्पन्न कर रहा हो, यानी बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो हमको इसको कहते हैं ऋणात्मक अंतरण कहा जाता है। लिखा रहेगा ऋणात्मक अंतरण। उदाहरण जैसे दे दिया जाए, एक उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे आपको हार्ट संबंधित कोई समस्या हो जाए और आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, अब आपके आदत में जैसे तेज बोलने तेज चलने की बनी हुई है, तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि आप धीमे बोलिए धीमे चलिए, क्योंकि वो हार्ट पर प्रभाव डालेगा। और चूंकि पहले से आपकी तेज चलने और तेज बोलने की आदत बनी हुई है, तो जो पूर्व का ज्ञान है यानी पूर्व में जो आपने प्रशिक्षण लिया है वो नए ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या ऋणात्मक अंतरण कहा जाएगा। तीसरा जो होता है लिखा रहेगा शून्य अंतरण। शून्य अंतरण, शून्य अंतरण किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने में ना सहायता दे ना बाधा उत्पन्न करे, तो इसको हम कहते हैं शून्य अंतरण। लिखा रहेगा पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने में ना सहायता दे रहा हो ना बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं शून्य अंतरण कहलाता है। इसको शून्य अंतरण के रूप में हम जानते हैं। लिखा रहेगा शून्य अंतरण मनोविज्ञान में कहा जाता है, या लिखा रहेगा शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। चौथा होता है क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण, हर बार एक अंतरण जो पूछा है। लिखा रहेगा समान परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान समान परिस्थितियों में यदि प्रयोग करें तो इसको हम क्षैतिज अंतरण कहते हैं। समान परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान समान परिस्थितियों में प्रयोग किया जाए तो इसको क्षैतिज अंतरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण आप जान लीजिए, इसको कभी कभी पूछ देते, उदाहरण क्या है, जैसे आप कोई बाइक चलाना जानते हैं, किसी कंपनी का चलाना जानते हैं, और उसी प्रकार दूसरी कंपनी का बाइक आपको दे दिया जाए तो आप चलाएंगे, तो ये क्षैतिज अंतरण है। यानी समान परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान समान परिस्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं तो क्षैतिज अंतरण है। जो उसी प्रकार का कार्य सीख रहे हैं तो उसको कहा जाएगा क्षैतिज अंतरण। तो लिखा रहेगा क्षैतिज अंतरण के रूप में कहा जाता है। एक अंतरण आएगा ऊर्ध्वाधर अंतरण। ऊर्ध्वाधर अंतरण, ऊर्ध्वाधर अंतरण का मतलब यह होता है कि निम्न परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान
यदि उच्च परिस्थितियों में प्रयोग किया जाए तो उसको हम ऊर्ध्वाधर अंतरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण है कि साइकिल आप चलाना जानते हैं, साइकिल चलाने में जो भी आपने प्रशिक्षण लिया, आप मोटरसाइकिल चलाने में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर अंतरण के रूप में जानेंगे। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान आप मोटरसाइकिल चलाने में प्रयोग करेंगे, जो भी आपने उन्हें प्रशिक्षण लिया तो इसको कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर अंतरण कहा जाएगा। एक लिखा रहेगा द्विपार्श्विक अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, पार्श्विक अंतरण, अंतरण। इस अंतरण में कहा जाता है कि जब एक अंग दूसरे अंग को प्रशिक्षित करने में सहायता दे तो इसको द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। तो लिखा रहेगा द्विपार्श्विक अंतरण, जिनमें दोनों अंगों का प्रशिक्षण किया जाए तो इसको द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता। तो अंतरण मनोविज्ञान में ये छह होते हैं। एक पहले का मैंने धनात्मक अंतरण, कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान को देने में सहायता कर रहा है तो इसको लिखा रहेगा धनात्मक अंतरण। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो इसको ऋणात्मक कहेंगे। इसीलिए कभी कभी इसी को कहीं कहीं अधिगम का पठार या सीखने का पठार के रूप में अंकित कर देते हैं। तीसरा लिखा रहता है शून्य अंतरण, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो लिखा रहेगा इसको शून्य अंतरण, इसको शून्य बाधा ना उत्पन्न करे ना सहायता करे दोनों, तब लिखा रहेगा शून्य अंतरण। समान परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान समान परिस्थितियों में हम प्रयोग करते हैं तो इसको क्षैतिज अंतरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर में होता है निम्न परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान उच्च परिस्थितियों में प्रयोग किया जाए इसको ऊर्ध्वाधर अंतरण कहा जाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में प्रयोग करें तो इसको ऊर्ध्वाधर अंतरण कहा जाता है। जैसे दे दिया आपसे कि आप कार चलाना जानते, बाइक चलाना शुरू कर रहे हैं, बाइक चलाना जानते हैं, अभी आपको कह दिया जाए नाव चलाने के लिए तो किस प्रकार का अंतरण होगा? तो देखिए यहां क्या होगा, नाव चलाना की क्रिया दूसरी होती है, साइकिल चलाने की क्रिया दूसरी होती है, बाइक चलाने की क्रिया दूसरी होती है, इसलिए ये शून्य अंतरण के रूप में आएगा। अगर नौका चलाने की बात करेगा तो नौका चलाने की अगर बात की जाए तो ये कहा जाएगा कि शून्य अंतरण होगा। तो इसलिए अंतरण छह प्रकार के रूप में मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाता है। लिखा रहेगा अंतरण के कितने प्रकार हैं, छह हैं। वैसे एक प्रश्न हमेशा इससे मनोविज्ञान में पूछा जाता रहा कि अधिगम का अंतरण किसे कहते हैं, अधिगम का नकारात्मक अंतरण सकारात्मक अंतरण दो प्रकार का होता है। नकारात्मक जो बाधा उत्पन्न करे, सकारात्मक जो अधिगम में सहायता करे। सकारात्मक का मतलब ये होता है जो अधिगम में सहायता करे वो सकारात्मक, और जो अधिगम में बाधा उत्पन्न करे वो नकारात्मक अंतरण के रूप में हम लोग जानते हैं। इसलिए अधिगम का कभी कभी सकारात्मक और नकारात्मक अंतरण की बात करेंगे। तो अधिगम का ये अंतरण है। एक आता अधिगम का वक्र, अधिगम का वक्र लिखा रहेगा, अधिगम का वक्र किसे कहते हैं, लिखा रहेगा अधिगम का वक्र। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया अधिगम का वक्र किसे कहते हैं। अधिगम का वक्र प्रगति का सूचक है। प्रगति का सूचक मतलब यह धनात्मक भी सूचक होगा, ऋणात्मक भी सूचक होगा, यानी कभी कभी ऋणात्मक सूचक कहा जाता है। लिखा रहेगा अधिगम का वक्र गत्यात्मक प्रगति का सूचक है, यानी प्रगति को दर्शाता है। जिसको ग्राफ पेपर पर हम लोग प्रगति की सूचना देते हैं, इसलिए प्रगति के सूचक के रूप में अधिगम का वक्र माना जाता है। इसमें एक लिखा रहेगा पाला वक्र, जो लिखा रहता है उसके बारे में लिखा रहता है सरल वक्र, सरल वक्र के बारे में लिखा रहता है। सरल वक्र देख लीजिए, हम लोग जो वक्र बनाते हैं इसको इस तरह लाइन खींचते हैं या ग्राफ पेपर पर इस तरह लाइन खींच देते हैं, तो इसमें अधिगम प्रक्रिया एक समानांतर चल रही है। यहां लिखा रहेगा
वक्र में, जैसे यहां लिख दिया आपने अधिगम, यहां लिख दिया आई, आई को दर्शा दिया, यहां आपने अधिगम क्रिया के बारे में दर्शा दिया। अब सरल वक्र में क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया आई के अनुसार लगातार समानांतर ढंग से उन्नत कर रही हो तो इसको हम अधिगम का सरल वक्र के रूप में जानते हैं। यह लिखा रहेगा सरल वक्र क्या करेंगे, अधिगम आई के अनुसार लगातार समानांतर ढंग से एक तरीके से प्रगति होती रहे तो इसको कहेंगे सरल वक्र के रूप में जानते हैं। लिखा रहेगा अधिगम का सरल वक्र, जिसमें अधिगम प्रक्रिया लगातार समानांतर ढंग से एक क्रिया के द्वारा उन्नत होती रहे तो इसको सरल वक्र के रूप में हम लोग जानते हैं। लिखा रहेगा अधिगम का सरल वक्र। अब यहाँ दूसरा जो वक्र बनता है, लिखा रहेगा नतोदर, नतोदर या लिखा रहेगा धनात्मक वक्र के रूप में जानते हैं, नतोदर या धनात्मक वक्र। इसमें क्या होगा, नतोदर या धनात्मक वक्र में पहले अधिगम प्रक्रिया धीमी होगी। यहां क्या हो रहा है, अधिगम प्रक्रिया पहले धीमी है, यहां पर देख रहे हैं धीमी है, धीरे धीरे तेज होती जा रही है। तो लिखा रहेगा नतोदर या धनात्मक वक्र में लिखा रहता है कि इसमें अधिगम प्रक्रिया पहले धीमी होगी, फिर धीरे धीरे आय के अनुसार तेज होती जाती है या समय के अनुसार तेज होती जाती है। तो इसको लिखा रहेगा नतोदर या धनात्मक वक्र लिखा रहेगा, वक्र लिखा रहेगा धनात्मक या नतोदर वक्र के रूप में जानते हैं। तो लिखा रहेगा नतोदर या धनात्मक वक्र। जैसे तक की परिभाषा ये है कि जिस अधिगम प्रक्रिया में पहले अधिगम प्रक्रिया धीमी बाद में तेज होती जाती है तो इसको नतोदर या धनात्मक वक्र के रूप में मानते हैं। तीसरा जो लिखा रहेगा वक्र के बारे में लिखा रहता है, लिखा रहेगा उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र, उन्नतोदर, उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र के रूप में हम इसको प्रदर्शित करेंगे। जैसे हम आपको बनाने जा रहे हैं इसको एक बार समझ लेंगे। जैसे ये है, यहां क्या आप देख रहे हैं, अधिगम प्रक्रिया पहले तेज थी फिर धीमे होने जा रही है, तो यहां क्या हो रहा है उन्नतोदर ऋणात्मक। इसमें लिखा जाएगा जिस अधिगम प्रक्रिया में पहले अधिगम प्रक्रिया तेज होगी फिर आय के अनुसार धीमी हो जाएगी तो इसको लिखा रहेगा उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र लिखा रहेगा। तो इसकी परिभाषा ही है, जिस प्रकार के अधिगम प्रक्रिया में पहले अधिगम प्रक्रिया तेज बाद में धीमी हो जाती है तो इसको ऋणात्मक या उन्नतोदर वक्र के रूप में जानते हैं। तो ये उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र के रूप में मानते हैं। तो लिखा रहेगा यह उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र है। अंतिम जो चौथा वक्र बनता है उसको कहते हैं मिश्रित, मिश्रित या सीढ़ीदार वक्र, सीढ़ीदार वक्र लिखा रहेगा मिश्रित या सीढ़ीदार वक्र के रूप में मानते हैं। तो इसको जब आप बनाएंगे तो इसके बारे में आप जान लीजिए कैसे बनेगा। इसमें क्या होता, अधिगम प्रक्रिया में लगातार उतार चढ़ाव बना रहे। यहाँ आप देख रहे हैं अधिगम प्रक्रिया पहले तेज थी बाद में धीमी हो गई, फिर बहुत तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, तो इसको लिखा रहेगा सीढ़ीदार या मिश्रित वक्र रूप में जानते हैं। तो ये चार प्रकार का वक्र अधिगम में बनता है। लिखा रहेगा अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है, अधिगम का वक्र चार प्रकार से बनेगा। पहला मैंने आपसे बताया सरल वक्र, दूसरा मैंने बताया नतोदर या धनात्मक वक्र, तीसरा मैंने आपसे बताया ऋणात्मक या उन्नतोदर वक्र, चौथा मैंने वक्र बताया मिश्रित या सीढ़ीदार वक्र। वक्र इसीलिए लिखा रहता है, अधिगम का वक्र प्रगति का सूचक है। तो ये वक्र से प्रश्न आपके यहाँ सिलेबस में दिया गया है कि वक्र क्या क्या है, प्रगति का सूचक है जो ग्राफ पर उन्नत या औन्नत को प्रदर्शित करता है। लिखा रहेगा ग्राफ पर उन्नत या औन्नत को प्रदर्शित करता है, इसको अधिगम का हम वक्र कहते हैं। तो देखिए मित्रों, मैंने आपसे दो चीज़ों पर अभी तत्काल बात किया।
एक तो मैंने कहा अधिगम क्या है, जिसकी परिभाषा आपने बताएं। दूसरी मैंने आपसे कहा अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण क्या है, तो मैंने बताया कि छह प्रकार का अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण होता है। वो भी मैंने आपसे बताया कि अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, शून्य अंतरण, ऊर्ध्वाधर अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। अधिगम का वक्र मैंने बताया, अधिगम का वक्र चार प्रकार का होगा, सरल वक्र, नतोदर या धनात्मक वक्र, उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र, चौथा मैंने कहा मिश्रित वक्र के रूप में जानते हैं। अब आती बात अधिगम के सिद्धांतों के बारे में कि अधिगम के सिद्धांत क्या है। अधिगम का जो सिद्धांत कहा जाता है, जब हम लिखते हैं अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत जान लीजिए बहुत आसान है, इसको एक बार आप समझ जाएंगे दोबारा गलती नहीं। अधिगम के मुख्य रूप से दो ही सिद्धांत ही हैं। अधिगम का सिद्धांत दो आप सिद्धांत हैं, एक लिखा रहेगा साहचर, साहचर या इसी को हम लोग कहते हैं संबंध, संबंध या इसी को और शब्द से पुकारते हैं व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। इसी को सहचर, संबंध और व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं। दूसरा लिखा रहता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक या इसी को कहते हैं क्षेत्र, ये क्षेत्र कहते हैं। अब यह आऊंगा अधिगम के दो ही मुख्य रूप से सिद्धांत हैं जिसमें हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला जो सिद्धांत है सहचर या संबंधवाद कहते हैं, जिसमें ये कहते हैं उद्दीपक होगा तभी जो है प्रतिक्रिया होगी। यानी ये लोग कहते हैं यस आर बांड, यस आर बांड की बात करते हैं, स्टिमुलस होगा तभी रिस्पांस होगा, यानी बिना उद्दीपक के कोई अनुक्रिया नहीं होती। दूसरा ये कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि पहले समस्या आवे, समस्या का मनुष्य क्या करेगा, पूर्ण अध्ययन करेगा। समस्या का अध्ययन करने के बाद इसीलिए देखते हैं एक गेस्टाल्टवाद का भी जन्म हुआ, जिसको हम लोग समग्रवाद कहते हैं। ये कहते हैं पहले समस्या आवे तो समस्या का हम चिंतन करेंगे, चिंतन की अगली अवस्था क्या होती है, तर्क होती है, और तर्क के द्वारा क्या करता मनुष्य निर्णय लेता है, तो निर्णय लेता है और निर्णय का बाद में मूल्यांकन होता है। इसीलिए देखते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक के छह उपभागों को ब्लूम महोदय ने विभाजित कर दिया। जैसे लिखा था पिछली बार ही प्रसाया कि संज्ञानात्मक का क्रम क्या है, पहला लिखा रहता है ज्ञान, दूसरा लिखा रहता अवबोध, तीसरा लिखा रहता प्रयोग, चौथा लिखा रहता विश्लेषण, पांचवा लिखा रहता संश्लेषण, संश्लेषण और जो अंतिम है छठा वो मूल्यांकन है। इसलिए कभी कभी एक प्रश्न करेगा, आप ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक का सबसे निम्न बिंदु क्या है, तो पहला हम कहेंगे ज्ञान, उच्च बिंदु क्या है मूल्यांकन। संज्ञानात्मक का सबसे इसको ब्लूम महोदय ने विभाजित किया, जैसे लिखा रहता है ज्ञान के तीन पक्ष हैं, ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रिया पक्ष। तो पहला ये कहते हैं पहला पद है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और अंतिम जो है मूल्यांकन है। तो इसलिए संज्ञानात्मक पक्ष के ये दो पक्ष हैं। अब यहां इसी के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे आप पढ़ते हैं आप पहला ही सिद्धांत जो थांडाइक ने दिया, जिसका नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, बहुत चर्चित सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ते हैं, थांडाइक ने दिया, जिसको कई नामों से जाना जाता है। लिखा रहता है प्रयास त्रुट का सिद्धांत, लिखा रहेगा आपसे, बारंबारता का सिद्धांत, लिखा रहेगा,
संयोग का सिद्धांत या सारबांड का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया तो जाना ही जाता है, थंडाई का सिद्धांत है। दूसरा पढ़ेंगे इसी में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन भी कहा जाता है। पढ़ेंगे शास्त्रीय अनुबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन परंपराओं रीतियों पर है, तो लिखा रहता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के रूप में, उसको हम मानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन लिखा रहेगा। तीसरा इसी में लिखा रहता है क्रिया प्रसूत, जिसका कई नाम है, क्रिया प्रसूत का जिसको बी एफ स्किनर साहब ने दिया, बी एफ स्किनर साहब ने दिया, तो क्रिया प्रसूत को कहते हैं नैमित्तिक सिद्धांत लिखा रहता है, यांत्रिक सिद्धांत लिखा रहता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत लिखा रहता है, आर बांड, ये सब नाम क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के हैं। चौथा आप लिखते हैं प्रबलन का सिद्धांत, क्लार्सी हल महोदय ने दिया, तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जितने हैं इनको कहते हैं जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दूसरा जब हम संज्ञानात्मक क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ लिखा रहेगा अंतर्दृष्टि या सूझ लिखा रहेगा। दूसरा आपके यहाँ लिखा रहेगा संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे साहब का नाम आता है। तीसरा आपका लिखा रहेगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बंडूरा साहब का नाम आएगा, बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। चौथा लिखा रहेगा सामाजिक विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, लेव वैगस्की साहब ने दिया। पांचवा लिखा रहता है आर एम गैने का श्रेणी क्रम, या उसी को कहते हैं अधिगम सोपानिक सिद्धांत लिखा रहेगा। छठा आपका लिखा रहेगा चिन्ह सिद्धांत, टालमैन का लिखा रहेगा। ये सब सिद्धांत जो हैं उस संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिस पर हम आगे के टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि यह संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है या व्यवहारवाद सिद्धांत क्या है, दोनों में फर्क है। इसीलिए मैंने आपसे कहा अधिगम के मुख्य रूप से दो ही सिद्धांत हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन क्या सिद्धांत अनुकूलित है, क्यों उसको अनुकूलित सिद्धांत कहा जाता है, क्यों उसको उद्दीपन अनुक्रिया कहा जाता है, क्यों उसको क्रिया प्रसूत के रूप में कहा जाता है, ये सब उद्देश्य लेकर बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू। हम अगले टॉपिक पर आपसे जल्दी ही चर्चा करेंगे और जल्दी ही जो है इस पर आपसे प्रश्न भी डालेंगे कि कैसे प्रश्न इस पे आते हैं। ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। आपकी जितनी समस्याएँ होंगी उस पर हम चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।